की टिकट जिनको मिला था, मुझे पता है आप सब दहशत में थे कि हे भगवान ये क्या हो गया, ये किसको टिकट मिल गया उधर से एनडीए से। नीतीश कुमार जी को भी पता है कि इस बार भी जमानत जब्त होगी, लेकिन सिर्फ दोस्ती निभाने के लिए टिकटवा दे दिए। घमंड है उधर बाहुबली होने का, तो वो व्यक्ति मुझे कहते हैं आनंद मोहन जी ऋतु जायसवाल में अनुभव का कमी है। ए भैया, ये जो अनुभव है ना, सजा काट के किसी डीएम की हत्या करके जो जेल से सजा काट के आए हो, वो अनुभव तुम अपने पास रखो, मुझे तुम्हारा ये अनुभव नहीं चाहिए। और कहते हैं ऋतु जायसवाल आएगी ना, कहते हैं ऋतु जायसवाल आएगी तो जंगल राज आ जाएगा। ए भैया, ऋतु जायसवाल आएगी तो जंगल राज आएगा, या ये आनंद मोहन आएगा तो जंगल राज आएगा, ये सिवार की जनता पे छोड़ते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज, मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। देखिए, आज शिवहर में तेजस्वी यादव ने जो है ऋतु जायसवाल के साथ मंच साझा किया है और रीगा के फुटबॉल मैदान में जनसभा को संबोधित कर रहे थे तेजस्वी यादव। लेकिन तेजस्वी यादव के आने से पहले ऋतु जायसवाल ने वहां से खूब दहार लगाई है और आनंद मोहन पर बहुत कुछ कह गई हैं। ऋतु जायसवाल एक रौद्र रूप में दिखाई दे रही थी ऋतु जायसवाल, और चेहरे पे काफी ज्यादा गुस्सा भी था और शिवहर की जनता के लिए प्यार भी दिखाई दे रहा था। वो कह रही थी कि इस बार जो है मुझे संसद भेजिए और शिवहर में जो आज तक नहीं हुआ वो मैं करके दिखाऊंगी। शिवहर की जनता से बार बार वोट मांग रही थी और बाहुबली आनंद मोहन पर हमला बोलती हुई नजर आई है। उन्होंने कहा है कि आनंद मोहन जी कहते हैं कि ऋतु जायसवाल को अनुभव नहीं है, अनुभव की कमी है, तो ऋतु जायसवाल ने सीधा सीधा आनंद मोहन पर हमला करते हुए कहा है कि आनंद मोहन जी के तरह मुझे अनुभव नहीं है 17 साल जेल में रहने का, जिस तरीके से आनंद मोहन जेल में थे, ये सब मेरे में अनुभव नहीं है और मैं बहुत अच्छी खासी भली हूँ यहाँ पे और मैं चुनाव लड़ रही हूँ, मुझे वैसा अनुभव नहीं चाहिए और यहाँ पे कलम वर्सेस बंदूक की लड़ाई है। ये बात वो बार बार दोहराती हुई नजर आई है और तेजस्वी यादव का गुणगान भी करती हुई नजर आई है ऋतु जायसवाल। वो कह रही थी कि हमारे नेता जब आएंगे तो और भी जो है यहाँ अभी जोश सभी का हाई हो जाएगा और आनंद मोहन की हालत जो है पतली करने का दावा करते हुए नजर आ रही हैं ऋतु जायसवाल, तो बहुत ही गुस्से में दिखाई दे रही थी। तो आप भी देखिए क्या कुछ कह रही हैं ऋतु जायसवाल। सभी को ये एक उम्मीद दिख रही है कि अगर ऋतु जायसवाल सांसद बनती है तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो उम्मीद की लहर जो दिख रही है आपके आशीर्वाद के रूप में, मैं कई बार बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, मेरी आंखों में आंसू आ जाता है कि आप लोगों की जितनी उम्मीदें हैं, भगवान मुझे वो ताकत दे और आपका वोट मुझे वो ताकत दे कि मैं सदन तक पहुंचूं, तो आपके दिए गए एक एक वोट का मैं मान और सम्मान रख सकूं, बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी कुएं के घमंड के, मैं सभी को एक बराबर सम्मान दूं, क्योंकि कोई एक व्यक्ति कहीं पर किसी भी जात में खराब हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो पूरी जात खराब है। ये और बात है कि शिवहर में पिछड़ा की राजनीति करनी है, क्योंकि शिवहर बहुत पिछड़ा है, उसको अग्रणी श्रेणी में लाना है और विकास की श्रेणी में लाना है। विकास के मामले में शिवहर अभी बहुत पिछड़ा है, विकास के मामले में शिवहर को आगे लाने की आवश्यकता है। यहां आने से पूर्व ही आप लोगों ने जिस तरीके से मेरे लिए डिमांड किया था, शिवहर मांगे ऋतु जायसवाल, शिवहर मांगे ऋतु जायसवाल, आज ऋतु जायसवाल यहाँ पे खड़ी है, तो आप लोगों के आशीर्वाद और आप लोगों की डिमांड की वजह से खड़ी है। आप लोगों को ये लगा कि अगर घर में, चूंकि टिकट जिनको मिला था, मुझे पता है आप सब दहशत में थे कि हे भगवान ये क्या हो गया, ये किसको टिकट मिल गया उधर से एनडीए से, ये घर में मुसीबत आ गई, तो मुसीबत आई तो याद किसको करें? तो जब घर में रात में कोई इमरजेंसी होती है, डॉक्टर की जरूरत होती है, बीमारी होती है, तो किसको याद करते हैं? पड़ोसी को।
पड़ोसियों को नहीं याद करते, बाहर वाले को थोड़ी याद करते, बाहर वाला तो आते आते आएगा, और हम तो आधे घर के हैं और आधे पड़ोसी हैं। तो आज हम यहाँ पे हैं, अगला तरह तरह से डरा आ रहा है, कोई मुद्दा तो है नहीं, दोस्ती निभाने के लिए नीतीश कुमार जी टिकट दे दिए। इसके पूर्व में भी दो बार लवली आनंद जी चुनाव लड़ी लोकसभा का इसी शिवहर से, क्या परिणाम हुआ? दोनों बार जमानत जब्त। नीतीश कुमार जी को भी पता है कि इस बार भी जमानत जब्त होगी, लेकिन सिर्फ दोस्ती निभाने के लिए टिकटवा दे दिए। घमंड है उधर बाहुबली होने का, तो भैया अगर घमंड है बाहुबली होने का तो वो तो होगा ही, जिसकी वजह से बिहार में कानून बदल जाए, और कानून एक व्यक्ति की वजह से कानून बदल जाए, उस व्यक्ति को अगर बाहुबली का घमंड है तो क्यों नहीं होगा? वो व्यक्ति मुझे कहते हैं, आनंद मोहन जी, ऋतु जायसवाल में अनुभव का कमी है। ए भैया, ये जो अनुभव है ना, सजा काट के किसी डीएम की हत्या करके जो जेल से सजा काट के आए हो, वो अनुभव तुम अपने पास रखो, मुझे तुम्हारा ये अनुभव नहीं चाहिए। ये जो कहते हो ना कि ऋतु जायसवाल में अनुभव का कमी है, तो भैया हमको 17 साल 16 साल जेल में सजा काट के आने का कोई अनुभव नहीं है, और ना हमको ये अनुभव चाहिए। ये अनुभव ही तुम अपने पास रखो, और ये जो तुमको अनुभव है ना बाहुबली बनने का, कहवाना पसंद कर। मुझे तो हंसी तब आती है जब जब उनके भी जो मीडिया वाले हैं ना, वो भी बोलते हैं कि बाहुबली मतलब इधर वाला हो या उधर वाला हो, सब बाहुबली उनको बुलाता है, इसका मतलब उनको बाहुबली कहलाना पसंद है। तो भैया हमको बाहुबली का अनुभव नहीं है, अन्ना हमको ये अनुभव चाहिए। तुम अपना जेल का अनुभव रखो अपने पास, तुम अपने सजा का अनुभव रखो अपने पास, तुम अपने बाहुबली का अनुभव रखो अपने पास, और मेरा जो अनुभव है ना मुखिया के तौर पे पूरे देश ने देखा है, जब ऋतु जायसवाल उपराष्ट्रपति से लेकर के पंचायत को मिलने वाला सर्वोच्च पुरस्कार पंडित दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण सम्मान से पंचायत को सम्मान दिलवाया, उस वक्त अपने सिंहवाहिनी की एक एक जनता को सम्मान दिलवाया। तो ये विकास का कार्य करने का जो अनुभव मेरे पास है वो मेरे पास रहने दो, और ये अपने बाहुबली का अनुभव तुम अपने ही पास रखो, तुम्हें ही मुबारक हो। और कहते हैं ऋतु जायसवाल आएगी ना, कहते हैं ऋतु जायसवाल आएगी तो जंगल राज आ जाएगा। ए भैया, ऋतु जायसवाल आएगी तो जंगल राज आएगा, या ये आनंद मोहन आएगा तो जंगल राज आएगा, ये शिवहर की जनता पे छोड़ते हैं। ये शिवहर की जनता निर्णय करेगी कि किसके आने से जंगल राज आएगा, ये शिवहर की जनता तय करेगी। हेलीकॉप्टर आएंगे उतरेंगे, एक हमारे नेता उनके 100 हेलीकॉप्टर पे भारी पड़ेंगे, क्योंकि वो जमीन की बात करते हैं। तेजस्वी जी ने अपने कार्य में जो 17 महीने का कार्यकाल था, वो 17 साल कहां हवा में उड़ गया पत्ता भी नहीं चला, और आज अगर बात हो रही है तो उनके सिर्फ 17 महीने के रोजगार की बात हो रही है। अगर हमारी सरकार बनती है तो आज जो तमाम यहाँ पे जनता है, या पूरे बिहार की अगर मैं बात करूं, तो वो चीजें मिलेंगी जो उन्होंने कहा ना कि वो 17 महीने तो झांकी था, तेजस्वी जी का मुख्यमंत्री बनना बाकी था, लेकिन पलटू राम जी बोले मन ने अच्छा खासा लोगों को काम मिल रहा था, नौकरी मिल रही थी, इतनी बहालियां हुई, लेकिन बोलते हैं चाचा मन नहीं लग रहा था, जब मन नहीं लग रहा था तो पलट के चले गए वहां। तो जैसा उनके नेता पलटू राम, वैसा उनके कैंडिडेट तो बड़का पलटू राम, बात करेंगे बड़का बड़का, लेकिन उनका जो दुलरुआ है ना, वो
दुलरुआ को एक रिजाइन भी नहीं दिया पार लगा कि कम से कम आरजेडी को गरिया रहे हैं तो कम से कम विधायकी पद तो छोड़ के गाली दे, पदवा भी रखे हो। कहते हैं फिर रोजगारी की बात कर रहे थे, अरे भैया तुम्हारा परिवार ना जब जेल में थे तो आपके परिवार के भी को भी रोजगार तेजस्वी जी ने ही दिया दुद्दू टिकट दे के। हाँ, एक हार गए, वो हारना ही था। यहाँ पे चूंकि समर्थन बहुत ज्यादा था तो आज उन वोट पे लेकर के यहाँ बने हैं, लेकिन काम कुछ भी नहीं। तो ये हो गया बेटवा का काम। पिताजी का करके क्या करके बाहर आए वो मालूम है। एक है माँ जो कैंडिडेट बन के खड़ी है तो वो अभी दो बार जमानत जब्त करा चुकी है, पूरे परिवार का आपको पता है। निर्णय आप लोगों को लेना है क्योंकि भुगत आप रहे हैं, आप भुगत रहे हैं। आज स्थिति क्या है, यहाँ तमाम ठेला चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, सब्जी बेचने वाले, राशन की दुकान चलाने वाले, ये सब लोग यहाँ पे व्यवसायी वर्ग सब सब मौजूद होंगे। लेकिन स्थिति क्या बन गई, आज आपका ये वर्गेनिया बाजार है, रीगा है ना, रीगा बाजार है। रीगा बाजार में हजारों किराने की दुकान वाले चावल दाल चीनी बेचते हैं। एक खुल जाएगा रियलाइंस फ्रेश दुकान, एक चावल के साथ दूसरा चावल फ्री, इतना चीनी के साथ इतना चीनी फ्री, तो आपकी दुकान दुकान रह जाएगी और सारी भीड़ चली जाएगी दूध बेचने वाले और दूध खरीदने वाले की कंपनी में। फल वाले बेचारे फल बेचते हैं, सब्जियां बेचते हैं, एक खुल जाएगा वहां पे फिर से कोई रियलाइंस फ्रेश। जितने में गरीब आदमी अपने सिर पे या ठेला पे केला से अनार अंगूर बेचता है, फल सब्जी बेचता है, एक खुल जाएगा रियलाइंस फ्रेश। उसी दाम में, जितने दाम में आप बेच रहे हैं उसी दाम में उस अंदर एसी की हवा खाते हुए एसी वाला फ्रिज वाला सब्जी फल मिलेगा। आपको भी लगेगा कि सस्ता तो मिल रहा है, ताजा तो मिल रहा है, ले लेते हैं, और आप ले भी लेंगे। लेकिन वो सारा गरीब मर जाएगा, वो ठेले वाला, वो फल बेचने वाला, वो सब्जी वाला मर जाएगा। वो कहां से कमाई करेगा, वो कैसे अपना पेट भरेगा। आज इतने यहाँ रीगा बाजार में दुकानें हैं, जितनी दुकानें हैं कपड़ों की दुकानें हैं, कपड़े बेचते हैं। ये एक खुल जाए रियलाइंस ट्रेंड्स, ब्लॉक लेवल पर तक खुल रहे हैं। जितने कपड़े की दुकानदार वाले हैं सबकी दुकान बंद हो जाएगी और आपका पैसा चला जाएगा वहां पे देश खरीदने वाले के पास। रियलाइंस ज्वेलर्स, रियलाइंस ट्रेंड्स, ज्वेलर वाले सारे व्यापारी खत्म, कपड़ा खुल गया कपड़ा वाले खत्म। तो भैया आज जो देश चला रहा है व्यवसायी वर्ग, जो कि दुकान खोल करके कम से कम चार लोगों को रोजगार भी देता है, जब वही खत्म हो जाएगा तो जो देश चलाने का नारा दे रहे हैं वो तो देश ना चला पाए। एक तरफ कहते हैं हमने पांचवें नंबर पे ला करके रख दिया और दूसरी तरफ कहते हैं 80 करोड़ की आबादी हमारे दिए गए 5 किलो राशन पे निर्भर है। तो भैया प्रधानमंत्री जी पहले अपना आप देख तो लो कि आप बोलना क्या चाह रहे हो। आप देश को अर्थव्यवस्था में पांचवें नंबर पे ला दिए या 80 करोड़ आबादी को सिर्फ 5 किलो राशन पे ला दिए, ये खुद पहले आप तय कर लो फिर मंच पे आके भाषण देना। ये तो कंफ्यूजन प्रधानमंत्री जी को है देश का, उनके बारे में क्या ही बात करना। तमाम बातें सब कुछ सब जुमला साबित हुआ, एक एक चीज सारी बातें सब लोग कह चुके हैं, हमको इस बारे में बात ही नहीं करनी है। हमको सिर्फ ये कहना है कि आज शिवहर है, शिवहर शिव की जगह है, यहाँ अपराध के लिए और अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है। शिवहर कभी भी अपराधी को बर्दाश्त नहीं करेगी। यहाँ पे अभी चल रहा चुनावी है तो उधर के भी नेता आएंगे, बड़े बड़े नेता आएंगे, उतरेंगे, लंबे चौड़े भाषण देंगे, एक जवाब नहीं होगा उनके पास कि रीगा चीनी मिल बंद क्यों हुआ, एक जवाब नहीं, उस पर तो बातें नहीं करेंगे, करना ही नहीं है। या फिर पिछले बार की तरह झूठा जुमला, फिर इस बार झूठा जुमला, फिर वो एक जब एक फैक्ट्री आप नहीं खुलवा सकते तो पूरा नई फैक्ट्री खुलने का जो थी वो बंद हो गई तो नया का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो सोचना आपको है कि 17 साल की सरकार से और ये डबल इंजन की सरकार से ये पूछते क्यों नहीं है कि तुम्हें वोट यहाँ चाहिए
और हमारे घर में जब दो वक्त की चूल्हे जलाने की बात हो तो हमारा बेटा दिल्ली और पंजाब जाएगा कमाने के लिए। ये बात आप पूछिए कि जब तुम्हें वोट यहाँ चाहिए तो हमें रोजगार भी यहाँ चाहिए। ये रीगा चीनी मिल बंद हुआ तो क्या हुआ, और तुम खुलवा नहीं रहे हो तो क्यों नहीं खुलवा रहे हो? कि एम्स जैसा अस्पताल यहाँ क्यों नहीं हो सकता, कि IIM जैसे इंस्टीट्यूशन यहाँ पे क्यों नहीं हो सकते? यहाँ तो ट्रेनें नहीं है, हमको तो शर्म लग रहा है बोलने में कि कैसे हम कहें कि एयरपोर्ट होगा जहाँ ट्रेनें का इतना बड़ा समस्या है कि एक गरीब जिससे ट्रैवल करता वो तक वो नहीं मिल पा रहा। ये जनता को समझना है, ये सवाल जनता को करना पड़ेगा। और ये जो भटकाते है ना ये लोग, आजकल उन्हें टीम बना बना के गाँव में जाता है, महिलाओं को बोलता है मोदी जी 5 किलो चावल दिए हैं, मोदी जी नहीं दिए। अब चाय बेचने वाले के पास कितना पैसा होगा जो 80 करोड़ को चावल देंगे? ये चावल सरकार देती है आपके पैसे से, और ये सरकार किसी की भी हो वो चावल आपको मिलेगा, चाहे पहले भी मिलता था मोदी के पहले और मोदी के बाद भी मिलेगा। जिसकी सरकार रहेगी वो गरीबों का अधिकार छीन नहीं सकता, लेकिन उसके साथ जो उन्होंने दिया वो महंगाई दी है। आज एक गरीब परिवार को एक बेटी की शादी के लिए ढोलना बनवाना हो ना, मांगटीका बनवाना हो ना, वो भी सोचता है कि कैसे बनेगा, कर्ज लेना पड़ेगा। बीमार पड़े तो कर्ज लो, बेटी की शादी करनी है तो कर्ज लो, बच्चे को पढ़ाना है तो कर्ज लो, घर में रोटी चलानी हो चूल्हा जलाना हो तो बाहर कमाने जाओ। तो पूछिए ना वोट मांगने वालों से जो 17 साल से यहाँ पर बैठे हैं और डबल इंजन की सरकार बन के केंद्र में बैठे हैं कि तुम्हें जब वोट चाहिए तो यहाँ पर हमें रोजगार क्यों नहीं देते हो, काम क्यों नहीं देते हो, महंगाई इतनी क्यों है? ये सब आप लोगों को पूछना पड़ेगा। और एक बात मैं लास्ट बता के जाती हूँ, चुनाव खत्म होगा, चुनाव के बाद रह जाएगा शिवहर, शिवहर की जनता और शिवहर के द्वारा चुना गया जनप्रतिनिधि। ये तय आपको करना है कि जब आंख बंद करें आप तो किसका जनप्रतिनिधि के तौर पे किसको देखने से आपको सुकून मिलेगा, किसको जनप्रतिनिधि के तौर पे देखने से आपको लगेगा कि ये आएगी तो विकास करेगी, कौन विनाश की परिभाषा लेकर के आया है और कौन विकास की परिभाषा लेकर के आया है, यह आपको सोचना है, आपको तय करना है। सही कहा, यह लड़ाई हथियार वर्सेस कलम की लड़ाई थी और यह हथियार वर्सेस कलम की लड़ाई रहेगी। यह जनता को तय करना है कि वो कलम चुनेगी या अपराध चुनेगी, यह जनता को तय करना है। आशीर्वाद चाहती हूँ, नेता हमारे आ गए हैं, आप सबका आशीर्वाद चाहिए, आप सबके वोट का मान और सम्मान रखूंगी। विकास की एक नई कहानी शिवहर लिखेगा, एक बार सदन तक पहुंचाइए तो सही, वो सब कुछ होगा जो शिवहर में कभी नहीं हुआ, वो सब कुछ होगा। एक बार मौका देकर के अपनी बहन अपनी बहू अपनी बेटी को जिताइए तो सही। बहुत प्रणाम सबको, बहुत बहुत प्रणाम। बस नेता आ ही गए हैं, तेजस्वी यादव दावाद, मुकेश साई जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुकेश सोनी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ऋतु यशवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।
जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ललितन साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, रितु यशवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी से आग्रह है, जितने भी लोग मंच पर हैं और जितने भी लोग मंच के सामने हैं, सब अपने अपने स्थान पर रहेंगे, कोई भी हेलीपैड के पास ना पहुंचे। आप सभी के नेता, तो आपने देखा कि किस तरीके से रितु जायसवाल ने मंच से दहाड़ लगाई है और आनंद मोहन को चिता दिया है कि आपके जैसा अनुभव मुझे नहीं चाहिए, मैं पढ़ी लिखी घर की हूं और शिवहर का विकास अच्छे से करूंगी, और जनता से प्यार भरे शब्दों से अपील भी करती हुई नजर आई है रितु जायसवाल कि मुझे जिताएं, आपके एक एक वोट का सम्मान और मान सब कुछ रखूंगी, संसद में आवाज उठाऊंगी आपकी, और जो नहीं हुआ है शिवहर में वो करके दिखाऊंगी और शिवहर का नाम पूरे हिंदुस्तान में ऊंचा करके दिखाऊंगी, सिंहवाहिनी पंचायत का भी उदाहरण देती हुई नजर आई है रितु जायसवाल। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है, आपका क्या कहना है इस वीडियो पर ये सब हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएं, और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।